वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 103 मल्टीप्लाई बाई 107। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, एवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इसको एवेलुएट करना है। कैसे करेंगे, आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं 103 मल्टीप्लाई बाई 107 इज इक्वल टू। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम इस तरह करेंगे 100 प्लस 3 कर लें, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन ही लगाते हैं, और 107 है तो 100 प्लस 7 कर लें तो सही है ना, ठीक है। क्योंकि हमने इसको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह लिख लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 103 को हमने 100 प्लस 3 में लिख लिया और 107 को 100 प्लस 7 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को, ठीक है। तो यहाँ पर ये x आ जाएगा प्लस ये a है, इसी तरह यहाँ पर ये x है प्लस और ये b है, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कैसे, जैसे यहाँ पर हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, आपने तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के ना, इसी तरह ये इसके इक्वल है, सही है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हेयर हमारे पास, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स इज़ इक्वल टू 100 है, ए इक्वल टू 3 है। तो एक्स इज़ इक्वल टू हम 100 लिख लेते हैं यहाँ पर, और ए किसके इक्वल है, ए इज़ इक्वल टू 3 है। क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको ओपन करना है इसके अकॉर्डिंग। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल है वो पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। x इज़ इक्वल टू क्या है, 100, और a इक्वल टू 3 है, फिर हमारे पास x इज़ इक्वल टू 100 ही है। तो हम लोगों ने एक दफ़ा लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, और b इक्वल टू 7 है। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वी गेट, यहाँ पर लिख लिया वही गेट, और अब हमने सॉल्व इसको करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 103 इंटू 107 इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल था पहले, यहाँ पर यही लिख लेते हैं कि क्या था, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, ठीक है। और अब इसके अकॉर्डिंग हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास x का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास x किसके इक्वल है, 100 के, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 100, और यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस का प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हमारे पास है a प्लस बी, ए हमारे पास 3 है प्लस बी हमारे पास 7 है, ठीक है। तो a प्लस बी का क्या मतलब है, 3 प्लस 7 आ गया, और यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का प्लस है, a इंटू बी है, तो a हमारे पास 3 है और b हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक है। तो क्या आ गया, 3 इंटू 7। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 10,000, ठीक है। 1 का 1 आ जाएगा, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है, 10,000 आ जाएगा। प्लस हम इनको प्लस करें तो क्या आता है, 3 में 7 को प्लस करें तो क्या आता है, 10 आता है। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1,000 आता है। देखें, 3 में 7 प्लस किया, 10 आ गया, ठीक है, और ये 100 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आता है, 1 10 का 0 और ये 2 0, तो 3 0 टोटल हो गए, प्लस 3 7 ज़र क्या होता है, 21। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11021, ठीक है। तो ये आ गया। तो हम लोगों ने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करवाना था, आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना था। तो एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि क्या किया, 103 इंटू 107 इस तरह सेपरेट हो सकता है। हमने इसको इस तरह लिख लिया, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, ठीक है। फिर यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये यूज़ करनी है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और ये किसके इक्वल होता है इसके। फिर हमने कह दिया कि हम लोगों ने इसको जो है इसके अकॉर्डिंग ओपन करना है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि x 100 के इक्वल है, a 3 के इक्वल है और b 7 के इक्वल है, लिख लिया यहाँ पर। और हमने इसको सॉल्व करना था, इसको लिख लिया और इसको जैसे सेपरेट किया ऊपर, यहाँ पर लिख लिया। और फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरह सॉल्व कर लिया कि इस
हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 100 है, 100 का स्क्वायर आ गया, प्लस ए किसके इक्वल है 3 के और बी 7 के, इसी तरह एक्स की जगह 100 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का प्लस आ जाएगा, ए की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा और बी की जगह 7 आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन किया, इनको प्लस करके मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया और देन प्लस किया, होप्स तो आंसर आ गया। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।